14038 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति असली जनरल कोच जो बरौनी में टॉयलेट के बीचों बीच ऐसे लोग सो पड़े हैं। बाथरूम साफ है आंटी ये? नहीं। सिंगापुरी केला दिखाना। 10 में 20 10 में 20 दे रहा दो केले। कैसन बा? बढ़िया खाए में लगा। मैं यहाँ के वॉशरूम की हालत अभी मॉर्निंग की आप देखो, फुल पानी भर चुका है। वॉश बेसिन भी देखो, पानी का लेवल देखो ऊपर तक आ गया। स्माइली जो है ना वो आप लोगों के लिए है। इतना यमी दलिया मैंने ट्रेन में तो कभी नहीं खाया। सीट के लिए कोई झगड़ा नहीं है यार, खड़े होने में भी झगड़ा है। क्यों लड़ रहे हो भैया? अरे नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जो ट्रैवल विद जो चैनल पे एक बार फिर स्वागत करती हूं। बिहार में हमारी ट्रेन पहुंची है महाराजा अशोक की नगरी पाटलिपुत्र। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको दिखाया कैसे हम जनरल कोच में आए और 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस दिल्ली से पटना के बीच में तय किया है पाटलिपुत्र। और अभी हमारी ट्रेन जो है यहाँ 10 मिनट के लिए होल्ड पे रुकी हुई है, खाने पीने की भी इच्छा है। देखते हैं खाने पीने के लिए हमारे लिए हमारे साथ है ट्रैवल इंडिया विद ऋषि, देखते हैं वो क्या लेके आए हैं। बिहार की स्पेशल डिश आपको पता ही है, वैसे उम्मीद करते हुए लाए होंगे। सीट पे चल के बैठ के दिखाएंगे आराम से। तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ का माहौल, जनरल कोच में ट्रैवल करने का मजा ही अलग है। बहुत सारे फेसेस, बहुत सारे कलाकार, टैलेंटेड पर्सन आपको देखने को मिलते हैं यार। स्लीपर और जनरल कोचेज हैं बहुत कम है। स्लीपर की अगर बात करें तो सिर्फ 2 कोचेज हैं, और अगर जनरल की बात करें तो सिर्फ 1 ही डिब्बा है। 1 डिब्बे में जितने भी खचा खच बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी सब चढ़ सकते हैं, चढ़ जाओ तो मतलब बहुत धक्का मुक्की रहती है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये 1 कोचे में जल्दी से कन्वर्ट कर देंगे 3 AC इकोनॉमी। मुझे लगता है कि जनरल कोचेज और भी ज्यादा बढ़ाने चाहिए। चलो अंदर बैठते हैं फटाफट से। तो आप कहाँ तक जाएंगे? असम। देखो यार पूरी जर्नी इन्होंने दिल्ली से, मैं इनको देख रही हूँ यहीं पे नीचे बैठ के बिल्कुल गेट पे यहाँ पे बैठ के पूरा ट्रैवल किया यार, सैल्यूट है। तो 3:31 पे ट्रेन निकल चुकी है पाटलिपुत्र से। यहाँ पे लग रहा है स्टेशन का माहौल, वाह। देखो भाई जनरल कोच का हाल ऐसा है कि रेलवे मिनिस्ट्री को इंडियन रेलवे जो है उनको थोड़ा काम करना चाहिए ना। रीगा ब्रिज हॉल्ट, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ये है सेतु, गंगा नदी पे बना हुआ सेतु, आपको जल्दी ही नजर आने वाली है गंगा नदी। जय माँ गंगे। फीलिंग होती है।
एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल रहा है। इससे सबसे ज्यादा है हरी मिर्ची, हिचकी आने को, स्पाइसी बहुत है, बट जिसका फ्लेवर है ना, इसमें टमाटर है और जो मसाले हैं ना वो भी बहुत ही परफेक्ट है। मजा आ गया यार, पूरा परफेक्ट बिहारी डिश। पाँच छह लिट्टे खा लूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। लिट्टी इतनी मजेदार थी, मैंने इनको भी ऑफर किया। ये जा रहे हैं आसाम, तो उनको कैसी लगी लिट्टी? मजा आया बिहार की लिट्टी खा के? ये तो वैसे यहीं से है, बिहार से है। हमारे जो साथी लाते हैं ना, तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट है। ये तो घी में बना हुआ है ना, घी से सॉफ्ट। घी में ना सॉफ्ट है, मजेदार है। ये बिहारी कैसा लगा आपको? क्या कर रहा है? मजेदार। मिर्ची तो नहीं है ज्यादा? आधा दर्जन बाउल की शेप में बना रखी है, देख के ही मतलब एकदम क्रंची सॉफ्ट लग रही है, झड़ रही है ना देखो। विंटर स्पेशल डिश, अंदर से आपको पूरी गर्मी देती है, क्योंकि तिल होते हैं ना इसमें, तिल गर्म होते हैं। चावल 50 में अच्छी है अभी। यहाँ पे खाने पीने के डबल अंडा, पानी माजा। चावल अंडे की तो यहाँ पे पूरी सेल चल रही है, डबल अंडा चावल, पूरा प्रोटीन अंडे का यही दे दोगे? अंडा चावल है 50 रुपए। सिंगापुरी केला दिखाना। 10 में 20 दे रहा, 2 केले, 2 केले दे रहा। केले दिखाना अन्ना भाई, केले दिखाने जा। केले देखो यार कितने मस्त है, छोटे छोटे साइज के एकदम। केला 10 में 20, 5 के दे दो, 5 के, अरे दे दो ना 5 के 10। 20 केला, लो जी हमने ले लिए हैं 10 के 20 केले। केला क्या है? केली है। अरे थोड़ा ढंग के दो ना, ये क्या दिया है, थोड़ा ढंग के दो। अरे यार ऐसे नहीं, हाजीपुर में लेना, पैसा दे दिए आपने? ले दिए ना 10 के 20। अरे हाजीपुर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। चलो कोई नहीं, माल है ये, बच्चा वो ही खा लेते हैं। केली देखो आप, छोड़ो बाकी सब मोमाया है, कितना छोटा है, स्मॉल। कितने का है ये? 20 में। सारे सेम है, अलग अलग है? सब ऐसे ही है। अच्छा सब ऐसे ही है, एक ले लेते हैं फिर लोग। अरे खाइयो, एक ले लेते हैं, 20 रुपए की दे रहे हैं ये नमकीन। कैसन बा, बढ़िया खाए में लगा। बोलिए 20 रुपया में 4 बजे लिट्टी बेच रहे हैं भैया। लिट्टी क्या बेच रहे हैं आंटी? ये आंटी देखो क्या बेच रहे हैं। हाँ पता चल रहा है आप बिहार की ट्रेन में हैं आप। Oh, baby.
लो जी बरौनी पहुंची है हमारी ट्रेन अभी। यहाँ पे देख के लग रहा है कि रश है, पूरा माहौल बना हुआ है, काफी ज्यादा पैसेंजर जो है वो यहाँ पे चढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे रश है, यहाँ पे गेट पे देखो क्या धक्का मुक्की हो चुकी है यहाँ बरौनी में। बरौनी का माहौल यहाँ पे देखो, ये है असली जनरल कोच जो बरौनी में घूमता हुआ नजर आ रहा है हमें। बरौनी में वैसे पहुंचने का टाइम था 4:15 बजे, बट 2 घंटे देरी से पहुंची है, 6:15, और यहाँ का रश भाई मुझे लगता नहीं कि मैं उतर पाऊंगी यहाँ से। और जनरल कोच जो है फिर से भर गया है फुल, बरौनी में जितना खाली हुआ उससे ज्यादा भर गया है। बाहर जाने देंगे एक बार, 10 मिनट का हॉल्ट है, सोच रहे एक बार बाहर निकल ही जाए, लगता नहीं उतर पाऊंगी मैं। इतने भीड़ भड़ा के मैं गर्म पूरी सब्जी भी बेचारी ठंडी हो जाएगी। नहीं होगा, कॉन्फिडेंस देखो इनका, जाओ भाई जाओ। अरे खचाखच हो गया, अब भर चुकी है भाई ट्रेन। अंदर चलिए भाई, अंदर चलिए, अंदर खाली है भाई, बाहर निकलने का कोई स्पेस नहीं बचा अब। पकड़ दे यहाँ बना, सोचा था भाग जाए, आप पकड़ ले यार, अंदर जाने तो हमें, जाइए जाइए जाइए, सोचा था बाहर निकलेंगे, नहीं हो पा रहा। कैसन बा, कहाँ जाता नहीं? बिहार। बिहार? कटिहार? कटिहार जाता नहीं अंकल, आप भी कटिहार? ठीक हो आराम से? जूते सही रखे हैं ऊपर ठिकाने पे, देखो जूते सही है एकदम। ये माहौल हो चुका है बरौनी में, फुल खचाखच कोच, सांस लेने की भी जगह नहीं इधर देखो। रियल स्ट्रगल जिसकी हमने बरौनी में की, एक बार बाहर चले गए, हो नहीं पाया हमसे। और पपीता भी हमने यहाँ से, पपीता भी हमने यहाँ से देखो विंडो से लिया है, विंडो से आदान प्रदान। बाहर जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, भीड़ भड़ाके वाला बरौनी से निकल रही है हमारी ट्रेन। मोबाइल अंदर कर ले अंकल, कह रहे हैं हमको 6:21 पे 10 मिनट का होल्ड था भाई यहाँ पे। अब रिस्क नहीं लेंगे हम, फोन को अंदर करते हैं, बहुत रिस्क है यहाँ पे। क्या चला रही हैं ये आंटी जी? आंटी जी लड़ाई झगड़ा चालू हो गया है यहाँ पे। अरे क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हो भैया? अरे देखो यहाँ पे सीट के लिए झगड़ा नहीं है, सीट के लिए नहीं रही है, सीट के लिए कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ खड़े होने में भी झगड़ा है भाई, खड़े क्यों नहीं होने दे रहा? ये झगड़ा है देखो, झगड़े मत करो, धक्का है है? अच्छा कहाँ तक जाओगे? काहे हंसते नहीं, बहुत ही स्माइल आ रही है। बोल बोल अच्छा बोल, मीडिया वाली हूँ। देखो ऐसे जनरल में कितनी तकलीफों के बावजूद भी यहाँ पे ना हंसी मजाक वो चलते रहते हैं, चेहरे पे उदासी नहीं है। आपको कैसा लग रहा है झूले में? झूला 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 दो उनको थोड़ा। लो भाई झूला झूल रहे हैं मस्त, बस 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 जाएगा। अभी आप ये क्या खा रहे हैं भैया? ये आप खा रहे हैं लुट्टी। लुट्टी यहाँ पे चाय ली है हमने, वैसे जनरल क्लास में ना चाय पीने का अलग ही मजा है। गर्म पानी भी स्वाद दे रहा है चाय। चीयर्स अंकल जी, क्या है बाबा? है खाना भुजा? से यहाँ पे हमारी ट्रेन को रोका हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग के लिए यार। कैपिटल एक्सप्रेस को दे दी इजाजत हमसे पहले निकलने की, हमें भी जाने दो प्लीज। कब ये कटिहार आएगा? ट्रेन ऑलमोस्ट 3 घंटे डिले चल रही है, थक गए, हर जगह हमारी ट्रेन को रोक के खड़ा कर देते हैं, सबकी क्रॉसिंग पहले हमारी सबसे लास्ट। 2 घंटे की देरी से फाइनली हमारी ट्रेन पहुंची है कटिहार। कटियार में मिलते हैं कट्टे देसी वाले। पानी पानी पानी।
और उधर देखो सामने अमृतसर कटिहार ट्रेन लगी हुई है। पानी के बोले, पानी बोले, पानी बोले। आजा आजा बिहारी भोजन, बिहारी भोजन। जी फिर से रश है यहाँ पे फुल कटिहार में, उतरने भी नहीं दे रहे हैं। देखो कटिहार जंक्शन पे अभी थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, एक बार रिस्क ले लेते हैं बाहर जाने का। एक बार बाहर जाना बहुत बुरा हाल है। थोड़ी सी सो मिली जगह, फाइनली बाहर निकल के सांस आया। देखिए एक बार जनरल क्लास के बाहर का माहौल, रोटी सब्जी चावल बिरयानी और बहुत सारे छुटमुट आइटम खाने की, सब कुछ यहाँ पे जनरल कोच के बाहर मिलेगा आपको। उधर स्लीपर के बाहर देखोगे ना, देखो बहुत ही कम है, बहुत ही कम वेंडर है। और यहाँ देखो पूरी मार्केट लगी हुई है। और ये देखो सब लोग पैसेंजर जो है अभी ये उतर के आराम से यहाँ पहुँचे हैं, ट्रेन से उतरे हैं तो साइड में थोड़ी सी जगह मिली। और सामने देखो आम्रपाली एक्सप्रेस लगी हुई है, खच्चा खच्चा है भाई वो भी। इधर ये पूरी सब्जी बेच रहे हैं, इन्होंने लिया है। बताएंगे कैसा लगा आपको टेस्ट? अच्छा है, चलो गर्म है, चलो इनको अच्छा लगा है पूरी सब्जी ये दे रहे हैं भैया। यहाँ पे कितने की बोतल ले रहे हैं, कितने की थी? बहुत महंगा दे रहे हैं इधर तो, हमारे असम में 30 का मिल जाता है 2 लीटर। अच्छा एक लीटर थोड़ा महंगा मिलता है ना। चलो देखो ऐसे लग रहा है जेल में से कैदी बाहर हाथ निकाल रहे हैं और पानी की बोतल ले रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे 2 दिन हो गए ट्रेन में, पागल हो गई मैं। लो जी ये पिला रहे हैं हमें लेमन चाय, बोला स्पेशल बोला इन्होंने कि मैं लेमन चाय ना बहुत स्पेशल बनाता हूँ, एक बार आप टेस्ट कर लीजिए। क्या कह रहे हो? ये देखो ये बनाई है इन्होंने लेमन, बहुत गर्म है, लेमन चाय बेहतरीन चाय बोल रहे हैं। वाह सच में बेहतरीन है, जाने दो भैया किसी पे कितना जाए। तो देख सकते हैं आप कि मैम किस तरह से इतना भीड़ में मतलब सफर कर रही हैं और लोगों को जो मजदूर लोग हैं उसकी स्ट्रगल लाइफ बता रही हैं मैम। बिल्कुल रियल स्ट्रगल है ये जर्नल में ट्रैवल करना, फुल्ली रियल स्ट्रगल। ये हमें मिले अभी कटिहार जंक्शन पे, वेल अभी ट्रेन निकल चुकी है, थोड़ा लेट हो गए वरना आपसे बाद में मिलते। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय। 10:15 कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी ट्रेन हो चुकी है अभी डिपार्चर। भाई साहब ट्रेन इतनी लेट चल रही है ना, अभी 2.5 घंटे ऑलमोस्ट लेट है, उम्मीद नहीं थी इतनी लेट होगी। थोड़ी देर की नींद ली तो प्रियंका जी है, इन्होंने जाना था तो अभी न्यू जलपाईगुड़ी आ चुका है। कैसा रहा आप लोगों का अब तक का सफर? वैसे जनरल क्लास का सफर नहीं, भांति भांति के लोग मिलते हैं आपको इसमें, आपका देश का बट्टा बिठा दिया। नींद आ गई थी मस्त, लेकिन जो भी है एक दूसरे के इनके यहाँ पे शोल्डर पे रख के मस्त नींद आई। तो जी अभी हम एंट्री कर चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी, बहुत लेट है ट्रेन, 1:30 बजे पहुंची है यहाँ पे ट्रेन, वैसे टाइम था यहाँ 10:30। बाहर आए हैं हम स्पेशल ट्रेन से कि एक बार जनरल कोच का माहौल देख लेते हैं यहाँ पे भी। और नींद की हालत क्या ही बताएं यार, बहुत बुरा हाल है, नींद आ ही नहीं रही है, पूरा गर्दन में पेन होने लगी है। जनरल कोच का जो स्ट्रगल है ना आज मुझे सच में दिल से कहीं से जानने को मिला है, जो भी करते हैं ना इतनी लंबी जर्नी, और लगभग आप सोचो अभी 2nd नाइट रोड चल रही है ये हमारी, 3rd दिन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कल तक हमारी जिंदा बचेंगे, हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। वेस्ट बंगाल के पहले स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी से हमारी ट्रेन मिल चुकी है, अभी टाइम देख सकते हैं आपने टाइम देख ही लिया है, रात के 1:35 हो चुके हैं। सोच रहे हैं अभी हम सो जाएं यार, आंखें देख रहे हो ना स्वेलिंग हो चुकी है आंखों में भी। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में जहाँ नींद खुलती है। तोहरा पोकल पोकल दारी देखे डर लगे गुड मॉर्निंग।
एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी हमारी ट्रेन जो है फिलहाल आसाम में पहुंच गई है। रात को जब हम सोए थे तो वेस्ट बंगाल में थे और उठे हैं तो आसाम में। ये कमाल है, जैसे हम है ना यहाँ पे आसाम में या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एंट्री करते हैं ना, यहाँ की खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है। हर जगह अभी दिख रहे हैं सनराइज़, इतना जल्दी हो गया। 5:30 पे मैं उठी तो इतनी ज़्यादा ब्राइट सनलाइट हो गई थी कि लग रहा था कि इतनी जल्दी 5:30 बजे, अभी तो बहुत जल्दी मॉर्निंग हो जाती है। सनराइज देखे यार सुबह सुबह, क्या रेड कलर में, ऑरेंज कलर का बिल्कुल, बहुत अच्छा था। और देखो हाईवे है, यहाँ से कट हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा हाईवे है, किसी को पता हो तो बताना कमेंट्स में। जस्ट बिफोर ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहाँ के वॉशरूम की हालत अभी मॉर्निंग की आप देखो, फुल पानी भर चुका है और वॉश बेसिन भी देखो। हाँ जी, वॉशरूम कैसा है? बेकार, हटना भैया, जाने लायक नहीं है ना एकदम, बाहर से ही देख के हालात इतने बिगड़े हुए दिख रहे हैं मुझे। जो है ना स्लीपर, स्लीपर पहले नौ था, अभी दो ही है, नौ था, अब दो ही रह गए, जनरल एक ही है, जनरल दो है, एक आगे एक पीछे है। अच्छा, एक आगे एक पीछे, दो है, पता नहीं है। अभी इतना पूरा आदमी मत, अभी मैं वॉशरूम देख के आई, बिल्कुल हालत खराब होगी, हालत खराब है, कोई सफाई करने वाला नहीं है ना, ना अभी एटलीस्ट, क्योंकि देखो दो दिन ट्रेन में रहना है तो एटलीस्ट एक दिन सुबह सफाई करने वाला आना चाहिए। किया ही नहीं है कोई, किया ही नहीं है, बहुत हालत खराब है। मैं जा रही हूँ अभी थर्ड एसी में। लो जी, यहाँ से गोलपारा से निकल चुकी है ट्रेन। अरे भैया स्टंट में नहीं है,
6:39 पे यहाँ से निकली है ट्रेन, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी, सोच रही थी मैं थर्ड एसी में एंट्री कर जाऊंगी बट कर नहीं पाई, स्लीपर में ही घुसना पड़ा। यहाँ से देखेंगे आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे स्टार्ट हो जाते हैं, अब वेदर भी बहुत प्लीजेंट है। देखो अभी तक तो मैंने आपको दिखाया कि जनरल में कैसा हाल है, देखो स्लीपर में भी कम हाल नहीं है बुरा, स्लीपर में देखो यार कैसे सोए हुए हैं, यहाँ पे टॉयलेट के बीचों बीच ऐसे लोग सोए पड़े हैं। बाथरूम साफ है आंटी ये? नहीं है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल के आए में भीड़ इतनी है मैम जी। सही बात है, बात तो सही है आपकी, मैं बताता हूँ क्या। हाँ बोलिए आप। ये है कि यहाँ पे लोग ना है, यहाँ के बहुत गंदे लोग होते हैं, इसी में काम इसी में थूक रहे हैं, सारा काम इसी में, कोई सुविधा अपने आप करना चाहता नहीं। ये बात तो है, बस सफाई करने वाला आ जाए ना एक सुबह कम से कम, तो हम सफाई तो करने वाला जगह ही ना बैठने को, अरे टॉयलेट वगैरह वॉश मशीन तो साफ करना चाहिए, तो हम कर तो रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो अभी, आए देखो। चलो मैं तो अभी थर्ड एसी में जा रही हूँ, देखती हूँ क्या हाल है। स्लीपर का वॉशरूम भी बिल्कुल साफ नहीं था, अभी हम स्लीपर के अंदर से देखते हैं अगर कनेक्टिंग होगी तो 3 AC में जा रहे हैं। तो ये है पेंट्री ट्रेन की, यहाँ पे बन रहा है वेज कटलेट, है ना, वेज कटलेट है, ये है यहाँ की पेंट्री। स्ट्रगल क्या था सुबह सुबह उठ के, सबसे पहले हम थर्ड एसी में आए, ठीक है, थर्ड एसी इकोनॉमी आई है, यहाँ के वॉशरूम को यूज़ कर रहे हैं हम, फिर भी कह सकते हो थोड़े से साफ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी साफ मिले, सुबह का ना काम चल गया, बस ये कह सकते हो काम चल जाए और क्या चाहिए। अभी ये भी एक स्ट्रगल है कि थर्ड एसी से अपने जनरल कोच तक जाना। मैं मिले हरियाणा से हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र है। और आपका सर? ये है गाजियाबाद से। नाम तो डिस्टेंस मिल जाएगा। रुपेश नाम। रुपेश आप गाजियाबाद से है ना? जिला गाजियाबाद से। ठीक है, तो इनसे अभी जो आपने देखा म्यूजिकल सेशन कितना एंजॉय किया हमने, बहुत मजा आया सर के साथ। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है आजरा का डाबरा, तो हमें ट्रेन यहाँ पे उम्मीद है मिलेगी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। लो जी इधर आ गई है पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, अगर अच्छे से दिखाते आपको ये बीच में आ गई मालगाड़ी। सॉरी। देखा क्या खूबसूरत म्यूजिकल सेशन था, और ऐसे में जर्नी और भी जब खूबसूरत हो जाती है जब आपको आसाम की ऐसी खूबसूरत प्यारी सी लेक देखने को मिल जाए, रिकॉर्ड मिल।
360 डिग्री कर। ये है हमारा जनरल भाई। हाँ जी उतर गए। ये है फाइनली, इनको दिया था हमने अपना सामान की केयर करने के लिए। आप गुवाहाटी में ही यहीं पे जा रहे हैं? ठीक है, आपसे मिलकर बहुत मजा आया, फिर से मिलेंगे कभी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, सामान है ना? भैया भी पीछे हैं, भैया आ रहे हैं अभी। इससे आगे हम जनरल क्लास में बैग संभाल लिया है, सेफ है। ट्रेन अभी गुवाहाटी में रुकी हुई है, यहाँ का कोड है GHY, 15 मिनट का होल्ड है, ट्रेन लेट है। तो कितने रुपएगी? अच्छा ठीक ठाक उतरे आप। चलो ये साथी थे, मजा आया। बोल बोल, जनरल कोच का हाल दिखा रहे हैं, कैसा लगा आपको जनरल कोच? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, खराब लगा। बाहर से भी देखोगे तो काफी ज्यादा गंदा लगता है। एक बार आपको सेकंड एसी के बाहर का माहौल भी दिखा देते हैं। देखो कितने भारी भरकम लगेज के साथ आते हैं सेकंड एसी में ट्रैवल करने के लिए। जनरल कोच में आम जनता का रश होता है, यहाँ पे खुली का रश है। देखो भैया क्या लगेज है, फुल भारी भरकम। गुवाहाटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से टाइम देखिए 9:57 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। सामने देखो इंस्पेक्शन कार भी है, काफी खूबसूरत व्हाइट कलर में। एक्चुअली ये पूरा सीनिक रूट जो है ना, वो इतना खूबसूरत है कि मजा आ जाता है यार। सो वी आर सेइंग गुवाहाटी को बाय बाय। जनरल क्लास में थक गए थे सफर करते करते, और भूख भी बहुत जोर से लगी थी क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। सीरियसली जो जनरल क्लास में सफर करते हैं ना, उनको हेड्स ऑफ है, क्योंकि मेरे से तो ना हो पाए नहीं ऐसा नहीं है, एंड टू एंड करेंगे, जितना हो पाएगा वहां तक करेंगे। और यहाँ पे आया स्पेशल ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमने यहाँ पे लिया है देखो स्माइली वाले ब्रेड, ब्रेड टोस्ट टाइप बोल सकते हो आप। ये स्माइली जो है ना, वो आप लोगों के लिए है जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो फैमिली के दर्शकों, आपको ढेर सारा प्यार। बट हम सबसे पहले खा लेते हैं ये स्माइली। खा लूं? काना ब्रेड सिंपल है बट फिर भी गर्म है तो अच्छा लग रहा है। और अभी हमने मंगवाया मीठा दलिया चाय साथ में। लो जी अभी ब्रेड टोस्ट खाए हमने, अब खा रहे हैं बहुत ही गरम गरम दलिया है, चादर से पकड़ना पड़ रहा है। बहुत ही बेहतरीन, एकदम परफेक्ट मीठा है, बहुत टेस्टी है। वाओ मजा आ गया यार, इतना यम्मी दलिया मैंने ट्रेन में तो कभी नहीं खाया। ओ,
लमडिंग में हम पहुंचे हैं। यहाँ तक हमने लगभग 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है। वैसे तो टोटल जो है ये आगे भी जाएगी सिलचर तक। नेक्स्ट जो होल्ट है वो बद्रपुर देन सिलचर होगा, बट हम यहीं से इसको छोड़ रहे हैं ट्रेन को लमडिंग, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्लान है मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, अगर आप नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वो भी फर्स्ट पार्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। हम लोग जा रहे हैं नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल अटेंड करना है तो उसके लिए हमें पहुंचना है डीमापुर। तो हमने यहाँ पे इस ट्रेन को यहाँ क्विट कर दिया है, सिलचर तक नहीं जाएंगे। लमडिंग में उतर के हम नेक्स्ट, पीछे से विवेक एक्सप्रेस आ रही है ऑलरेडी, क्योंकि ये ट्रेन लेट है तो हम सोच रहे हैं विवेक एक्सप्रेस ही ले लें। तो विवेक एक्सप्रेस से हम जाएंगे डीमापुर। तो अगर आपको ये जर्नी, ट्रेन जर्नी अच्छी लगी, ब्लॉग अच्छा लगा यहाँ तक, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं, रेल फैन है, रेल लवर है, तो प्लीज़ आपको बहुत सारी ट्रेन वीडियोस और भी देखने को मिलेंगी चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। और लामडिंग स्टेशन पे भी आप देख लो एक बारी, काफ़ी कुछ यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शन है। तो देखते हैं इनके पास क्या कुछ है। भैया बना रहे हैं यहाँ पे अंडा ऑमलेट, और क्या है, ये है सब्जी रोटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति अभी लामडिंग से डिपार्चर होने को रेडी है। यहाँ पे लोको रिवर्सल होता है, यानी इंजन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इंजन अभी इस तरफ लग जाएगा, पहले उस तरफ था। और साथ में यहाँ पे बैंकर्स अटैच हो जाते हैं। लामडिंग से हाफलोंग होते हुए बद्रपुर का जो रूट है ना वो बहुत ही ज्यादा सीनिक है, और वहाँ पे बैंकर की जरूरत होती है जिससे उसको एक्स्ट्रा प्रेशर दे के पुल ऑफ कर सके। हॉन्किंग हो चुकी है हमारी ट्रेन की, हाँ हमारी तो नहीं है अब क्योंकि चली गई अब चली जाएगी हमको यहाँ से छोड़ के। क्या घास वगैरह भी लेके जा रहे हैं वो देखो। बाय बाय पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, बाय जनरल क्लास। छूट गई ट्रेन, चढ़ जाओ। पीछे निकल चुकी है हमारी ट्रेन। वेल ये जो पूरा डिवीजन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज का लामडिंग डिवीजन है जहाँ पे हैं अभी हम, काफी बड़ा वास्ट डिवीजन है। यहाँ से बहुत सारी ट्रेन डिपार्चर होती है मोस्टली, और जैसे विवेक एक्सप्रेस भी है जो आएगी अभी फिलहाल, तो ये निकल रही है। लो जी एक कोच यहाँ पे लास्ट में है, सेकेंड क्लास यानी कि जनरल क्लास का। तो देख लीजिए लास्ट में भी यहाँ पे एक और यहाँ इंजन है, देखो उस साइड भी मैंने आपको दिखाया था इंजन, यहाँ पे भी। तो ये एक बैंकर्स एक्स्ट्रा अटैच किया जाता है। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। तो जा रही है ये 2 घंटे की देरी से सिलचर।